नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रारंभिक इतिहास। राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो आरंभिक स्थिति थी उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपन पढ़ते हैं, उससे पहले ध्यान रखना कि भारत के अंदर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दहर को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मुस्लिम आक्रमण होता है 712 के बाद 1192 में। ठीक है, 1192 में मोहम्मद गौरी आता है, ध्यान रखना। दो चीजें हैं यहां पर, देखिए 712 में मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आक्रमण करता है, सिंध के शासक को पराजित करता है, वापस चला जाता है। फिर ये तो पहला आक्रमण है, लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी 1192 के अंदर। और 1192 में जब मोहम्मद गौरी यहां पर आता है और यहां के शासकों को पराजित करता है, उसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है, सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ध्यान रखना, ऐहोल अभिलेख के अंदर सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। और ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया था? तो ध्यान रखना, यह लिखवाया था पुलकेशन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख लिखवाया था। और इसका जो लेखक था वो था रवि कीर्ति। इस ऐहोल अभिलेख के अंदर सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग मिलता है। अब देखिए, गुर्जर प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुर्जर प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है पद। क्या होता है? पद। और ध्यान रखना कि कहा जाता है कि प्रारंभ में जो ये गुर्जर प्रतिहार थे, यह गुर्जर प्रतिहार गुप्त वंश के शासकों के महलों के द्वारपाल हुआ करते थे। ध्यान रखना, प्रारंभ में गुप्त काल में ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ये किसके द्वारपाल हुआ करते थे, किसके रक्षक हुआ करते थे? गुप्त वंश के शासकों के। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शब्द, ये जो ये शब्द है, प्रतिहार शब्द है, यह शब्द किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं पड़ा है, यह पद के नाम पर पड़ा है। ध्यान रखना, ये एक पद है। जैसे गुहिल वंश यानी गुहादित्य ने इसकी स्थापना की थी, यह अपन पढ़ते हैं, ये एक व्यक्ति से शुरू हुआ था। यदुवंशी है, वो एक वंश से शुरू हुआ था, एक व्यक्ति से शुरू हुआ था। लेकिन प्रतिहार वंश है, वो एक पद से शुरू होता है। आगे बात करते हैं अपन, हवेनशांग भारत आता है और भारत आने के बाद वो यहाँ पर एक पुस्तक लिखता है सीयू की। ठीक है, इस सीयू की पुस्तक को कहा जाता है पश्चिमी देशों की यात्रा। कौन से देशों की यात्रा? पश्चिमी देशों की यात्रा। इस पुस्तक में वो कहता है कि भारत में उस समय जब ये लिखता है तो कहता है कि 12 राज्यों का ये उल्लेख करता है। कितने? 72 राज्यों का। हवेनशांग सीयू की पश्चिमी देशों की यात्रा जो इसकी पुस्तक है, उसमें यह 72 राज्यों का उल्लेख करता है। और उसमें उसने प्रतिहारों के बारे में भी उल्लेख किया है। उसने जो प्रतिहार शासक थे, उन प्रतिहार शासकों का जो उसमें, मतलब हवेनशांग ने इनका जो आरंभिक क्षेत्र बताया है, इनका जो राज्य बताया है, ये कुचेला कहा है। कुचेला गुजरात का प्राचीन नाम था। कुचेला इन्होंने इसका राज्य बताया है प्रतिहारों का। इसके अलावा इसने जो इनकी राजधानी बताई है, प्रतिहारों की इसने राजधानी बताई है, वो पोलोमोली बताई है। और पोलोमोली किसको कहा जाता है? भीनमाल को कहा जाता है। भारत के अंदर प्रतिहारों का सबसे बड़ा योगदान क्या था? ध्यान रखना कि देखिए, भारत में पहला आक्रमण होता है मुस्लिम आक्रमण 712 में, लेकिन भारत के अंदर पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है 1192 में। इन 480 साल के गैप में भारत के अंदर कोई भी मुस्लिम शासक यहां पर शासन नहीं कर पाता है। उसकी वजह क्या होते हैं? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों को ध्यान रखना, भारत में इस्लामीकरण को रोकने का बहुत बड़ा इनको क्या दिया जाता है? योगदान दिया जाता है कि इन्होंने भारत में इस्लामीकरण नहीं होने दिया 480 साल में। अपन यहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के साथ साथ अपन चौहान, चावड़ा, प्रतिहार, गुहिल वंश के शासकों को भी कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो गुर्जर प्रतिहार के शासकों को दी जाती है। मुहूर्त नैणसी जो मारवाड़ के रहने वाले थे, इन्होंने प्रतिहारों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब देखिए, अरब
से जो आक्रमणकारी आए अरब के जो यहाँ पर लेखक आए उन्होंने, इसके अलावा राष्ट्रकूट के जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर शब्द दिया था। अब ये जो गुर्जर शब्द है ये क्यों नाम दिया था प्रतिहारों को, क्योंकि ये पश्चिमी भारत में रहते थे, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात का जो भाग था ये गुर्जर प्रतिहार, ये क्या कहलाता था प्राचीन काल में, ये शब्द कहलाता गुर्जरात्र, क्या कहलाता था, ये गुर्जरात्र कहलाता था और गुर्जरात्र के नाम पर ही इसको कहा जाता है गुर्जर। और यहाँ पर रहने वाले कौन थे, प्रतिहार थे, इसीलिए इनको साथ में पढ़ा जाता है गुर्जर और प्रतिहार, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा जाता है। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाउक, और बाउक का अभिलेख मिला है जोधपुर के घंटियाला गांव में, कहां पर, घंटियाला गांव में। बाउक इस घंटियाला अभिलेख में यह लिखता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष माना है उसने एक व्यक्ति को माना है जो ब्राह्मण व्यक्ति था जिसका नाम था हरिश्चंद्र, कहा उसमें यह लिखा है कि जो हरिश्चंद्र है यह ब्राह्मण था और इसने एक क्षत्रिय महिला से विवाह किया था जिसका नाम था भद्रा, क्या नाम था, भद्रा, और भद्रा और हरिश्चंद्र से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था रज्जिल, क्या नाम था, तो रज्जिल। फिर रज्जिल से धीमे 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 इस वंश का क्या होता है, विकास होता जाता है, यानी इस वंश का लगातार आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो ये मानते हैं कि जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है ये ब्राह्मण प्लस क्षत्रियों से बना हुआ है, ये किस अभिलेख में मिलती जानकारी है, मिलती है जानकारी घंटियाला अभिलेख में। कुछ और इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अपने मत दिए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जैक्सन और डॉक्टर भंडारकर ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हुई है खजर जाति से, खजर एक विदेशी जाति थी, इस खजर जाति से वो ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई है। कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रूक है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति बताते हैं सीथियन वंश से, किससे, सीथियन से। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंगम है, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कुषाण जाति के यूची कबीले से बताइए, किससे बताइए, यूची कबीले से। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रारंभिक इतिहास में अपने ये जानकारी पड़ी है कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने भारत के अंदर इसका क्या योगदान था। तो ध्यान रखना इन्होंने भारत के अंदर भारत का इस्लामीकरण नहीं होने दिया था 480 सालों तक, और इन्हें भारत में, ध्यान रखना भारत में इस्लामीकरण रोकने की दीवार भी कहा जाता है गुर्जर प्रतिहारों को। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, इसमें भी जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट वंश के जो अभिलेख है उनके अंदर भी इनकी जानकारी मिलती है। मूनोत नैनसिब ने भी इनकी 24 शाखाओं का वर्णन किया है। इसके अलावा घंटियाला अभिलेख के बारे में भी इनकी जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के जो शासक है उनके, गुप्त वंश के जो शासक थे उनके जो समकालीन जो लेखक हुए उन्होंने इनको भी बताया है कि ये प्रारंभ में द्वारपाल हुआ करते थे, ऐसी जानकारी अपन ने पढ़ी है। तो ये थे गुहिल वंश की, सॉरी गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रारंभिक इतिहास। इसी तरह से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के अगले शासकों में, और अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग क्षेत्र के जो रहने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक थे उनके बारे में। विद्यार्थियों अगर आप अपनी तैयारी को और धारदार अच्छी तरीके से बहुत अधिक बनाना चाहते हैं और आपका एक ही मोटो है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो क्या होता है कि तैयारी करने से पहले आपको अपनी खुद की जो होती है कि मैं, डर होता है या झिझक होता है उसको दूर करने के लिए कि मैं क्या करूं, तो आपको आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से टेस्ट सीरीज है वो केवल नाम मात्र के दाम पर आप देख सकते हैं, और जो भी आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वहां पर जाकर आप अपनी तैयारी को और अच्छी और गुणवत्तापूर्वक बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो YouTube चैनल है उसको लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सही टाइम से मिलता रहे और आपको नई दिशा, नए निर्देश और नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।